मूवी की स्टार्टिंग होती है दो आदमियों से जो एक कश्ती में बैठे होते हैं या आपस में कोई बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनमें से एक आदमी ग्रेट इन्वेंटर्स के क्लब का मेंबर बनना चाहता है। तभी वो पानी में मौजूद नई नई स्पीशीज की खोज करता रहता है, यानी उन्हें ढूंढता रहता है। अब ये आदमी जो कि ग्रेट इन्वेंटर बनना चाहता है, इसका नाम लियोनल होता है। तभी अचानक ये दोनों देखते हैं कि पानी में एक अजीब और गरीब क्रिएचर है जो कि काफी ऊंची और लंबी है। वो लियोनल के साथी को अपने मुंह से उठा लेती है। अब उसकी जान जैसे तैसे करके तो बच जाती है, पर इसका ये बुरा असर होता है कि वो लियोनल का साथ छोड़ जाता है। अब लियोनल जब वापस आता है तो वो काफी उदास होता है, लेकिन तभी उसे एक लेटर रिसीव होता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर लियोनल ने एक ऐसी स्पीशीज को ढूंढ डाला या ये प्रूव कर दिया कि वो अभी भी एग्जिस्ट करती है तो उसे ग्रेट इन्वेंटर्स के क्लब का मेंबर बना दिया जाएगा। ये पढ़कर लियोनल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास एक पाउ पड़ा हुआ था जो उसी स्पीशीज का था, या यूं कह लें कि उस स्पीशीज के रिमेन्स थे। अब वो ये पाउ लेकर उस क्लब में पहुंचता है जहां उनके लीडर से मिलता है, पर उनका लीडर ये मानने से इनकार कर देता है कि असली पाउ है और उस पाउ को तोड़ देता है। यानी लियोनल के पास जो प्रूफ था कि स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, उसने इस प्रूफ को भी खत्म कर दिया था। जिसके बाद लियोनल का बहुत दिल दुखता है क्योंकि वो लोग उसे क्लब का मेंबर भी नहीं बना रहे थे। तो यहाँ पर लियोनल उन्हें चैलेंज करता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी एक नए प्रूफ के साथ लौटेगा और इसके बदले में उन लोगों को इसे क्लब का मेंबर बनाना होगा, जिस पर वहाँ का लीडर भी मान जाता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि लीडर अकेले में होता है और वो लियोनल की बातों से काफी परेशान आ गया था, तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इससे पहले कि लियोनल वापस लौटे तुम उसे जान से मार दो। असिस्टेंट भी घबरा सा जाता है कि ऐसी भी क्या बात हो गई, पर अब तो ऑर्डर्स मिल चुके हैं। अब दूसरी तरफ लियोनल को दिखाया जाता है और ये भी बताया जाता है कि जिस स्पीशीज की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि गोरिल्ला की तरह दिखने वाला एक बिग फुट क्रिएचर है, और जो प्रूफ लियोनल के पास था वो उसके फुट प्रिंट के अंदर स्कल्पचर बनाया गया था। यानी जहाँ कहीं उसे उसका फुट प्रिंट दिखाई दिया, उसने उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस भरकर उसका स्कल्पचर बना लिया। पर लीडर ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, ये समझते हुए कि शायद इसको बनाने वाला ये खुद ही है। अब यहाँ पर लियोनल एक बहुत बड़े जंगल में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा सफर तय करने के बाद आया था। यहाँ आते ही उसे वो बिगफुट दिखाई देता है जिसकी शक्ल गोरिल्ला जैसी थी। पर ये क्या, इससे पहले कि लियोनल उसे पुकारता वो लियोनल का नाम ले लेता है। लियोनल कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, क्या तुम बोल सकते हो? तो वो बिगफुट आगे से कहता है, हाँ ना, मैं बोल भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। लियोनल यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और उसे चेक करने लग जाता है, पर तभी वो बिगफुट उसे कहता है कि तुम्हें एक राज की बात बताऊँ। तो लियोनल उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, बोलो। बिगफुट उसे बताता है कि जो लेटर तुम्हारे पास है कि तुम्हें उस क्लब का मेंबर बना दिया जाएगा, वो दरअसल उस लीडर ने तो नहीं लिखा, वो लेटर मैंने तुम्हें लिखा है। लियोनल कहता है, तभी मैं परेशान हो रहा था कि उस लीडर ने खुद ही लेटर लिखकर बाद में मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर रखा, पर बिगफुट तुमने ऐसा क्यों किया? तो बिगफुट उसे बताने लगता है, एक तुम ही हो जो हमारे एग्जिस्टेंस पर यकीन रखते हो, यानी इस बात पर यकीन रखते हो कि हम अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तुम ही मेरी मदद करवा सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। लियोनल उससे पूछता है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते थे? तो बिगफुट उसे कहता है, तुम देख सकते हो मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन दो कुछ लोगों को कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं और वो मेरे खोए हुए कजन्स हैं। उनकी शक्ल थोड़ी बहुत मुझसे मिलती है तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो बिगफुट हैं। खैर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, मुझे बस मेरे कजन से मिलवा दो, क्या तुम मेरे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तो लियोनल आगे से कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद तो नहीं करने आया था, मैं तो यहाँ तुम्हें ढूंढने आया था और इस बात का प्रूफ उस लीडर को देने आया था कि तुम एग्जिस्ट करते हो। तो चलो एक डील करते हैं, मैं उसको पहले ये प्रूव कर दूं कि तुम वाकई एग्जिस्ट करते हो, और जब वो मुझे मेंबर बना देगा तो मेरे पास ज्यादा अथॉरिटी होगी और उसके बाद मैं तुम्हारे कजन्स ढूंढने में हेल्प जरूर करूंगा। अब इस बात पर बिगफुट मान जाता है। अब लियोनल उस बिगफुट का नाम मिसिंग लिंक रखता है क्योंकि उसके साथी कुछ मिस्टर हो चुके थे। अब वो उसे अपने साथ लेकर एक क्लब में जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक गैंगस्टर आ जाता है जो उसे लीडर का भेजा गया होता है। वो उसे मारने के इरादे से यहाँ पर आया था, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो लियोनल भी उसे फायर शुरू कर देता है। अब उन दोनों में हाथापाई यानी लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक डॉग मिसिंग लिंक यानी बिगफुट पर भौंकना शुरू कर देता है
पर मिसिंग लिंक भी आगे से चुप रहने वाला तो नहीं था, वो और ज्यादा उस पर चिंगारता है इतनी ऊंची आवाज में कि वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग डर जाते हैं। वो वहाँ से तुम दबा कर भाग जाते हैं, पर इसके बाद वो गैंगस्टर अभी भी बाहर खड़ा ल्यूनर की बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर ल्यूनर ये फैसला ले चुका होता है कि वो प्रूफ करने की बजाय मिसिंग लिंक को फौरन से पहले उसके साथियों से मिलवाएगा। अब यहाँ पर उसका कॉस्ट्यूम भी यानी उसकी ड्रेसिंग भी चेंज कर देता है ताकि सारे लोग उस पर शक न करें कि कौन सी क्रिएचर है। उस तरफ वो गैंगस्टर उस लीडर को सारी खबर दे चुका होता है और उसका लीडर उसे कहता है कि किसी भी तरह करके मिसिंग लिंक और ल्यूनर को रोका जाए। अब उधर ल्यूनर और मिसिंग लिंक किसी और सिटी ट्रेवल कर रहे होते हैं और जिस घर में वो जा रहे होते हैं वो ल्यूनर की बेस्ट फ्रेंड का घर होता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसकी वाइफ से मिलता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे नाराज होती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड यानी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है, तुम तो उसके फ्यूनरल पर भी नहीं आए। पर ल्यूनर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे एक चीज की जरूरत है और वो है हिमालय का मैप। ये वो जगह है जहाँ पर बिगफुट के कजन्स रहते हैं। पर वो लेडी उनसे कहती है कि मैं उस मैप को नहीं देख पाई, वो मैप मेरे हस्बैंड के लॉकर में है और वो अभी तक सेफ है, पर मैं उसे निकाल नहीं सकती। ये कहकर वो उन दोनों को घर से निकाल देती है और खुद सोने चले जाती है। लेकिन ल्यूनर और मिसिंग लिंक तो उसे लेने आए थे। अब वो रात को चुपके से उस घर में दोबारा एंटर होते हैं और लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शोर की वजह से उस लेडी की आंख खुल जाती है। वो पीछे पीछे इनके रूम में आती है और उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो लोकर खिड़की से बाहर गिर जाता है और साथ ही साथ ये दोनों भी खिड़की से बाहर जंप करके उस टूटी हुई तिजोरी यानी उस टूटे हुए लोकर में से वो मैप लेकर भाग जाते हैं। अब सुबह ल्यूनर और मिसिंग लिंक ने स्टेशन जाना था ताकि वो अपनी सिटी वापस जा सके, लेकिन उनसे पहले ही वहाँ वो लेडी आ जाती है। अब उनको पकड़ने वाली होती है लेकिन उसको मिलते ही नहीं क्योंकि उन दोनों ने अपना रूप बदल रखा होता है। पर तभी वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये फायरिंग वही गैंगस्टर कर रहा होता है। तो लेडी समझ जाती है कि इन लोगों की जान को खतरा है और इन लोगों के लिए उस जगह पर पहुँचना बहुत जरूरी है जिसके लिए वो यहाँ पर मैप लेने आए हैं। तो वो लेडी खुद ही उस गैंगस्टर का सामना करती है उस पर फायरिंग करके और उनको चकमा देते हुए ये लोग छुप जाते हैं। और अब ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये तीनों ही हिमालय की तरफ इकट्ठे जाएंगे। यहाँ पर वो रास्ते में बातें करने लग जाते हैं। वो लेडी अपने हस्बैंड की बातें कर रही होती है कि अगर आज वो जिंदा होते तो अपने फ्रेंड को देखकर यहाँ पर बहुत खुश होते। खैर अब उन्हें पोर्ट में जाना था जिसके थ्रू हिमालय तक ट्रैवल कर सके, लेकिन यहाँ पर वो गैंगस्टर भी उनका पीछा करते करते आ ही जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात के टाइम ल्यूनर और मिसिंग लिंक आपस में बातें कर रहे होते हैं। ल्यूनर उससे कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, जिसको सुनकर मिसिंग लिंक बहुत खुश हो जाता है। तो तभी पीछे से वो गैंगस्टर उस लेडी पर गन पॉइंट कर लेता है। ल्यूनर जैसे ही देखता है तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और मिसिंग लिंक उनकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। अब इसके बाद वो तीनों यानी ल्यूनर, मिसिंग लिंक और वो लेडी पास ही छोटी बोट के जरिए वहां से एस्केप कर जाते हैं। वो गैंगस्टर के हाथ से निकल चुके थे। अब ये खबर जब गैंगस्टर उस लीडर को देता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तो अपना सर पीट के रह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, अब मैं खुद उन्हें रोकूंगा। उधर ये तीनों इंडिया पहुंच चुके होते हैं जहां पर हिमालयन रेंज है, लेकिन यहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो गैंगस्टर अभी भी इनका पीछा कर रहा है और उसने किसी तरह से इनके पते का पता लगा लिया है। अब ये लोग वहां के रेसिडेंट्स के पास जाते हैं जिनमें एक बूढ़ी औरत भी होती है। उनके सर के ऊपर एक चिकन बैठा होता है जो शायद उन्हीं का पालतू है। अब वहां पर जाकर ये लोग खाना खाने लगते हैं और मिसिंग लिंक वहां पर गोबर के बने हुए कुछ प्लेट्स खाने लगता है और वो इनको डिलीशियस कुकीज कह रहा होता है। अब यहाँ पर ये सारे लोग उस बूढ़ी औरत से उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं जहाँ पर मिसिंग लिंक के जैसे दिखने वाले स्पीशीज रहते हैं। पर वो बूढ़ी औरत इन्हें उस जगह का बताने से मना कर देती है और कहती है कि तुम लोगों का उस जगह से कोई लेना देना नहीं। पर यहाँ पर मिसिंग लिंक अपना कॉस्ट्यूम यानी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि मेरा है लेना देना। ये देखकर वो बेचारी बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है, पर जब उसे होश आती है तब वो अलाउ कर देती है कि ये लोग उस जगह पर जा सके। साथ ही साथ वो अपनी बेटी को इनके साथ भेजती है कि जाओ इन्हें उस जगह तक छोड़ आओ ताकि इन्हें आसानी रहे। अब पीछे से उस बूढ़ी औरत के पास वही गैंगस्टर उसका साथ ही आता है और वो उनसे उन लोगों के पते के बारे में पूछता है, लेकिन जब उन्हें नहीं बताती तो उन्हें डिफरेंट तरह की ब्लैकमेल करने लगता है यानी उन्हें धमकी देने लगता है कि हम आपको और आपके बेबीज को जान से मार देंगे। उधर हम देखते हैं कि मिसिंग लिंक अपने साथियों को देख लेता है। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, पर यहाँ उदास बात ये होती है कि मिसिंग लिंक को देखकर कोई खुश नहीं होता। फिर इसके बाद वो वहाँ के बॉस के पास यानी मास्टर के पास जाते हैं। वो मास्टर उनसे कहता है
तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लियोनल उसे बात करने लग जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर कोई लड़ाई या कोई कब्जा करने नहीं आए, वो आपसे कोई खजाना मांगने आए हैं, बल्कि हम आपका साथी, आपका कजन आपके पास छोड़ने आए हैं। वो मास्टर कहता है, कौन सा कजन? हमारी फैमिली यहाँ पर पूरी है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तभी मसंगलिंग उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं, मेरी शक्ल देखिए, मैं आप ही लोगों से मिलता जुलता हूँ और आपसे खोया हुआ हूँ, यानी मैं आप लोगों से पिछड़ गया था। तो वो मास्टर कहता है, मेरे साथ फजूल बातें मत करो। वो उन्हें इस जगह पर बंद करवा देता है जो कि गहरा खड्डा होता है। यहाँ पर मुसिंगलिंग काफी उदास हो जाता है। वो बार बार मास्टर की उस बात को सोच रहा होता है कि तुम इस जगह के लिए नहीं हो। यहाँ पर लियोनल को पछतावा हो रहा होता है कि काश मैं सब में ना पड़ता और अपने क्लब का मेंबर बन जाता। पर उसे वो लेडी टांगती है और कहती है कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, सर उसका भी तो ख्याल करो। ये सुनकर लियोनल को एहसास होता है और वो मुसिंगलिंग के पास जाकर कहता है, तुम सही सोच रहे हो, तुम इस जगह के लिए नहीं बने बल्कि इसे बेहतर जगह डिजर्व करते हो। और अब तीनों जैसे तैसे करके उस गड्ढे से बाहर निकल आते हैं। अब जब वो रास्ता आता है जो कि एक स्टोन ब्रिज का होता है, तो ये तीनों अपने सामने उस एक क्लब के लीडर को देखते हैं जिसके हाथ में बहुत बड़ी गन होती है और वो उन्हें मारने यहाँ पर आया था। अब वो पूरा लीडर जब गन चलाता है तो गोली उन्हें लगने की बजाय ब्रिज में ही लग जाती है और जिस जगह वो खड़ा होता है वहाँ से ब्रिज टूट कर गिरने लग जाता है। बाकी सब अपनी जान बचाकर टाइम से भाग जाते हैं, पर वो ब्रिज के साथ ही नीचे गिर जाता है और अपने एंड को पहुंच जाता है। अभी तो ये तीनों भी ब्रिज से लटक जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि इन लोगों ने एक दूसरे को रस्सी से बांध रखा होता है। लियोनल के पास रस्सी नहीं होती, इस वजह से वो उसी ब्रिज के साथ लटका होता है। पर तभी उसके ऊपर वो गैंगस्टर आ जाता है जो उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो लियोनल उसे खींच कर अपने साथ लटका लेता है, यानी ब्रिज के उसी हिस्से पर जहाँ पर वो खुद लटका हुआ है। लेकिन कुछ ही देर में वो खुद भी स्लिप हो जाता है, पर लकीली मिसिंगलिंग के पांव को पकड़ लेता है। अब इसी दौरान उस ब्रिज से बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा आता है और उस गैंगस्टर के मुंह पर गिरता है, जिससे उसका कंट्रोल छूट जाता है और वो भी अपने लीडर की तरह नीचे गिर जाता है। अब मिसिंग लिंक के पास तो रस्सी होती है, तो वो जैसे तैसे करके ब्रिज के ऊपर आ जाता है और उसी रस्सी से लेडी और लियोनल को भी ऊपर खींच लेता है। इसके बाद दोनों में सुलह हो जाती है, यानी यहाँ पर मिसिंग लिंक समझ चुका था कि लियोनल वाकई अब उसके साथ सिंसियर है और उसे क्लब ज्यादा अजीज नहीं है बल्कि मिसिंग लिंक की ख्वाहिश ज्यादा अजीज है कि वो असल में चाहता क्या है। अब यहाँ पर वो लेडी उनसे कहती है कि मैं जितनी मदद कर सकती थी मैंने कर दी, अब मुझे घर जाना होगा। अब उसके जाते ही लियोनल और मिसिंग लिंग भी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों भी एक साथ रहेंगे और उन्हें भी अब घर जाना चाहिए क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसके बाद हम मिसिंग लिंग को लियोनल के ही घर में देखते हैं, वो दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।